तो यार ये है मेरे पूरे टॉयज़ की कलेक्शन एंड इसको मैं कर रहा हूँ कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद आज ओपन। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर एंड गाइस वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। जो अभी टाइम है 4 हो रहे हैं, 4:25 PM इन द इवनिंग एंड आई स्लेप्ट अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग, और जिसमें अभी आधे घंटे पहले सो के उठा हूं। ऐसा होता है बहुत कम की भाई मैं सोता हूं इतना लेट तक, और मैं सुबह सोता हूं इतना लेट क्योंकि जिस मेरे को सुबह बहुत सारे काम थे अपने पीसी पे, तो अपने सारे अपने काम पहले खत्म करे हैं एंड मेरे को भी जाना है फिलहाल तो स्टारबक्स कॉफी पीने के लिए। उसके अलावा मेरे को जाना है अभी नए वाले घर पे भी, बिकॉज अभी जो फाइनल होते हैं ना चेक्स हमारे घर के अंदर वो हो रहे हैं डन, सब कुछ पूरा घर इतना से हो चुका है रेडी टू शिफ्ट। तो अभी मेरे को जाना है नए वाले घर पे भी, इसलिए पहले जाते हैं नहाने के लिए, फिर करते हैं आज के ब्लॉग को कंटिन्यू बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, अपन व्लॉग्स बैक हियर। तो जो मेरी ये वाली अलमीरा है इसका हाल देख लो, पूरी हो चुकी है शिफ्ट, ये पॉलिथीन खाली है, दुबई वाला पॉलिथीन है। बाकी नीचे थोड़ी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, गैजेट्स वगैरह हैं। यहाँ पड़ी है राइडिंग जैकेट्स मेरी, और यहाँ पे है हेलमेट का वाइजर, स्विमिंग की और एक पड़ी हैं चीज़ें। यहाँ पे सारी बैटरीज हैं, लाइपो बैटरीज मेरी। यहाँ पे साइकिलिंग का सामान है, तो एक तरह से ये भी पूरा खाली हो चुका है। इसमें 2-3 चीज़ें ही पड़ी हुई हैं जो पूरा थोड़ी लग रही है भरी भरी। मेन है कि ये जो चीज़ें हैं मैं लेके जाऊँगा लास्ट डे ही शिफ्टिंग के, ऐसा को मैं बता चुका हूँ पहले भी। एंड ये यहाँ पे सारे हैं ट्राईपॉड स्टैंड, यहाँ पे साइकिल का हेलमेट है जो कि इसको मैं यूज़ नहीं करता बिल्कुल, वहाँ पे लेंस पड़ा मेरा 10-18 कैनन वाला। और ये टेबल की मेरे को बहुत ज़्यादा वाली टेंशन है, जो AC हम छोड़ के जाएंगे इसी वाले घर में। एंड जो बेड मेरा सामान है बेड बॉक्स के अंदर भी, वो भी बहुत सारा है। एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी सामान टूटे, तो आई थिंक जो बेड बॉक्स के अंदर सारा सामान है वो मैं खुद लेके जाऊंगा, वो सामान के को बताऊंगा वापस घर आने के बाद। सो गाइस मैं अभी हो चुका हूँ रेडी एंड लुक व्हाट आई एम रेडी टुडे, YPSM टी-शर्ट जो कि मेरा खुद का ब्रांड है। एंड गाइस इस पे आने वाले अभी टी-शर्ट्स के डिजाइन बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। मीनवाइल यू गाइस कैन गो अहेड, क्योंकि अभी मेरी जो वेबसाइट है इस पे फिलहाल हो रखे हैं पोस्ट 9 डिजाइन टी-शर्ट्स के, तो उनको जल्दी से कराओ आउट ऑफ स्टॉक। एंड जो लिंक है आपको वेबसाइट का दे दूंगा बिल्कुल टॉप पे नीचे इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक आउट द वेबसाइट एंड यूज माय कूपन को YPSM टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड। एंड गाइस द प्लस पॉइंट इज जो टी-शर्ट की क्वालिटी है वो है 180 GSM बायो वॉश, तो जो सेम यूज करते हैं नाइके एंड जॉर्डन वो वाली सेम क्वालिटी है। तो इफ यू वांट टू बाय दिस इसका लिंक आपको दे दूंगा बिल्कुल टॉप पे नीचे इन द डिस्क्रिप्शन। जो शॉर्ट्स स्नीकर्स है वो भी आने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। एंड गाइस मेक श्योर यू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, आईडी विल बी ऑन द स्क्रीन, क्योंकि वहां पे मैं शायद मेरे से रहोगे अपडेटेड कि अपनी लाइफ में एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं। तो इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने दिखाई थी सारी जो चीजें ट्रैक्टर भी और साथ में रोड रोलर भी, तो जो सारी चीजें वो मेरे घर के सब सामने आ गई हैं, ये भी है ट्रैक्टर मशीन वोरी फॉर रोड रोलर, तो घर के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई हैं। एंड ये खड़ी अपनी मर्सिडीज, तो उसको मेरे को अभी निकालना है। और अभी मैं आज पहनने वाला हूँ ये वाले शूज़, अब ये हैं अपने फोम रनर्स, सुपर सुपर कंफर्टेबल शूज़ हैं। एंड इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं, मतलब क्या बताऊँ, जस्ट लुक एट द शेप एंड अमेजिंग शूज़ हैं। तो ये वाले पहन के मैं जाने वाला हूँ आज। तो भाई मैं अभी निकल चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी पंजाबी बाग, और ऐसे लग रहे हैं मेरे भी फोम रनर्स। एंड मेरे को बताओ रिकमेंड आपको कैसे लगते हैं वाले शूज़, मेरे को और ऐसे लगते हैं यूनिक डिजाइन एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो। एंड यहाँ पे अभी खड़े हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स एंड बाइक का चलान काट रहे हैं अभी एग्जॉस्ट का। आई वंडर मेरे को समझ नहीं आया इतने चलान क्यों कटते हैं एग्जॉस्ट के, अगर भाई सुपर बाइक्स बेच रहे हो तो उनमें लोग एग्जॉस्ट लगाएंगे, क्योंकि भाई उनमें साउंड नहीं होती सब एग्जॉस्ट के अंदर। मेरे को चीज़ समझ नहीं आई आज तक ये कि क्यों जब बाइक्स बेच रहे हो तो एग्जॉस्ट भी लोग लगाएंगे ना, ऑब्वियसली क्योंकि बाइक्स आर मेंट फॉर द एग्जॉस्ट, उनकी आवाज़ ही एग्जॉस्ट लगाने के बाद आती है। अब मेरे को समझ नहीं आता, आई डोंट गेट दिस रीज़न एट ऑल। चलान काटना है आप देखो भाई, जो बाइक में रखे इलीगल मॉडिफिकेशन लाइक अगर नई नंबर प्लेट नहीं है वो चलो ठीक है एक तरह से देखा जा सकता है, बट एग्जॉस्ट का चलान लिटरली मेरे को समझ नहीं आया। अभी कॉफ़ी लेके आ चुका हूँ, सो आई हैव गॉट CCF जो कि है कोल्ड कॉफी फ्रैपचिनो। 20 minutes later तो अभी आ चुका हूँ मैं गैराज में अपने, और अभी ये दोनों खड़ी हुई हैं। बहुत दिनों से मैंने निकाला भी नहीं अपनी H2 को, तो H2 को आई एम प्लानिंग कि इस बार निकालूँ मैं संडे राइड पे, जो अगले हफ्ते होगी क्योंकि आज ही संडे है, और जो R8 है उसको मैंने निकाला था स्टिकरिंग वर्क के लिए भी, और यहाँ पे लगी है पूरी रेलिंग। ये भी हो रहा था काम 2 दिन से, मैं आजकल ना यूज़ करता हूँ स्टेयर्स क्योंकि यार सेकंड फ्लोर ही है तो ज़्यादा लिफ्ट क्यों यूज़ करूँ। घर में भी चल रही है पूजा और प्रॉपर हो रही है अभी घर की क्लीनिंग, ये कहाँ से कूड़ा निकला है, और मेरे रूम की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, हैव अ लुक। और मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ अपना वैक्यूम क्लीनर भी, ये रहा
को ऐसे रखा हुआ है मैंने, और साइड में जो होता क्या है कि जो डस्ट होती है ना बिल्कुल साइड में, वो साफ होती नहीं है झाड़ू वगैरह, इसलिए उसके लिए मैंने ले रखा है वैक्यूम क्लीनर। एंड यहाँ से पूरी निकल चुकी है लकड़ी, तो यहाँ पे ना इसको प्रॉपर चिपकाने के लिए साफ लकड़ी लगाते हैं सपोर्ट के लिए, तो मुझे लकड़ी निकाल दिया तो उसको बिल्कुल कर देंगे फिक्स, इससे हो जाएगी प्रॉपर पूरा मेरा अभी रूम डन। फिर आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, और ये भी हो चुकी है पूरी अब डन फाइबर वर्क, कल नहीं हुआ था ये, तो अभी पूरा फाइबर वर्क हो चुका है। यहाँ पे गेट लग गया है और एंड तक फाइबर वर्क पूरा हो चुका है, ऊपर भी लग जाएगा अभी ये पूरा फाइबर। और ये जो मेरे प्ले बटन्स हैं और ये वाईपीएम लोग चलो को ये लगेगा मेरे रूम के अंदर जब मेरा रूम बन जाएगा। और बाहर एंटर से मैंने लिखवाया है गॉड ब्लेस ऑल हु एंटर, और यहाँ पे लिखा गया है वैकुंठ, कि मम्मा ने घर का नाम डाला है वैकुंठ। आपको दिखाता हूँ उसकी भी लाइटिंग कैसी है। तो ये मम्मा ने बनवाया है घर के लिए, ये बिल्कुल घर के बाहर बालकनी में लगा हुआ है। सॉरी आई कांट शो यू द बालकनी बिकॉज ये घर रिवील हो जाएगा फिर। और भाई वो लोग समझ गए ना मेरे घर की लोकेशन, प्लीज़ भाई मत बताना कमेंट करके, नहीं तो ऐसे ही तरह से दिक्कत हो जाती है प्राइवेसी को। यहाँ पे हो रहा है अभी टचिंग वर्क, और इसके अंदर बने सारे शू रैक्स हमारे। One hour later. तो गाइस आई एम बैक एट माय होम, और अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरा बेड बॉक्स की हालत कैसी है, इसमें कितने सारे टॉयज हैं इसके अंदर। तो इसको एक बार जल्दी से पहले ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें की क्या हालत है, और मेरे को उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी जो शिफ्टिंग है वो कैसे होगी है। तो यार ये है मेरे पूरे टॉयज की कलेक्शन, एंड इसको मैं करवाऊँ कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद आज ओपन। यहाँ पड़े हैं सारे मेरे हॉट व्हील्स, बट ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। यहाँ पड़ी है अपनी निंजा H2 की डाईकास्ट, और यहाँ पे डुकाटी की भी डाईकास्ट है। यहाँ पे एक हॉट व्हील है जो कि इसके अंदर आ जाता है हीरो 5 सेशन, तो इसलिए इसको मैंने लिया था कि कभी मैं कोई ट्रैक वगैरह लूंगा हॉट व्हील्स का तो उसके ऊपर आई कैन रिकॉर्ड दिस। यहाँ पे मैं पड़ा हुआ है टॉय जो कि है नोबिता वाला, इसको आई गॉट दिस फ्रॉम मलेशिया, बेबलेस में वो पहले बहुत ज़्यादा शौक था। यहाँ पे है लेगो, यहाँ पे अगेन एक रोबोट है। मेरे को ट्रेन्स का भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये सेंटी का टॉय है। ऑल्सो आप देख रहे हो सारे जो टॉयज के बॉक्स हैं वो पड़े हुए हैं बिकॉज आई लव टू कीप बॉक्सेस। यहाँ पे एक गेम पैक पड़ी है जो कि मेरे को मिली थी एक मेरे बहुत पहले बर्थडे पे। यहाँ पे है रॉकेट SS का, जो कि आई थिंक आप लोगों ने कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी, क्योंकि इतना से बिल्कुल यूनिक चीज़ है। यहाँ पर ये मेरी सारी स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स लाइक बैडमिंटन रैकेट्स एंड ऑल। देखिए यहाँ पे क्रिकेट का बैट है, विकेट्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगेन एक लेगो है फरारी वाली। यहाँ पे है मेरा हवर बोर्ड, तो जो मेरी सारी हॉट व्हील्स है ना वो सारी इसके अंदर देखो भरी हुई हैं। देखो जस्ट हैव अ लुक, ये बहुत सारी हॉट व्हील्स है मेरे पास में। देन यहाँ पे है सिल्वर एरोस जो कि मेरे को मिला था मेरी मर्सिडीज कार के साथ में, एक तरह से उन्होंने डाईकास्ट दिया था। ये मेरी जो गेम है ना, ये मेरी बहुत ज्यादा पुरानी गेम है, लगभग इसको मेरे लिए पापा लेकर आए थे 2005 या 2006 में, तब से ही मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी का पूरा एक RC कार है, यहाँ पे सारे और मॉडल्स हैं, और यहाँ पे एमिरेट्स का एक प्लेन है। बिकॉज पहले ना मेरे लिए दुबई जाना एक तरह से बहुत बड़ा ड्रीम था, इसलिए आई बॉट दिस एमिरेट्स प्लेन। इसको आई ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट और इसलिए इसको मैंने लिया था। बाकी वहाँ पे सारे पड़े हैं मेरे प्लेन्स के डाईकास्ट मॉडल्स, फ्लाई दुबई वहाँ पे है, एयर एशिया है ऊपर, उसको यहाँ पे रखता हूँ। एंड मेरे को बहुत सारी चीज़ों का शौक है। यहाँ पे देखो हॉट व्हील्स भी हैं, यहाँ पे एक RC ट्रक पड़ा हुआ है, भाई एक है ट्रक, मतलब आप देख रहे हो कि मेरे पास सारे मोस्टली कार्ड्स भी इनके सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक बैट मोबाइल है मेरे पास में, फ्री DIY प्लेन, और मैंने आप देखो कि जो कार्ड्स हैं ओपन नहीं करी हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी हैं। और यहाँ पे सेबर भी है स्टार वॉर्स की मेरे पास में, इसको अगर हटाऊं तो नीचे और भी बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे एक RC कार है बड़ी सी, यहाँ पे नीचे एक ट्रैक पड़ा हुआ है हॉट व्हील्स का, बट सब कुछ ना पैक पड़ा हुआ, मतलब ये देखो कुछ जैम पैक पड़ा हुआ है। पहले मेरे को शौक था स्लैम डेक्स वगैरह कलेक्ट करने का, क्योंकि बीच में आया था क्रिकेट डेक्स स्लैम डेक्स वगैरह IPL के टाइम पे। यहाँ पे हैं सारी ये फिशेज, तो ये सारी थी इलेक्ट्रिक फिशेज जो कि आती थी एक कंपनी की, मेरे को कंपनी का नाम नहीं याद, अगर याद आएगा तो डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो आई यूज़ टू कलेक्ट दिस। बाकी यहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर है टाइप ऑफ, इसमें सेंसर है नीचे की तरफ, तो ये फ्लाई करता है विद डैट। देन यहाँ पे एक मिनी सा RC हेलीकॉप्टर है। तो ये थी मेरी पूरी टॉयज की कलेक्शन, एंड इसकी जो मैं प्रॉपर वीडियो बना रखी 1.5 साल पहले विद प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ माय RC प्लेन्स एंड ऑल, तो जो वीडियो थी वो थी आधे घंटे की वीडियो, तो उसका लिंक आपको दे दूंगा आई बटन के अंदर, पर आ गया होगा आई बटन फ्लैश हो गया होगा, तो यू कैन क्लिक दैट बटन एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। बाकी यहाँ पे सारे मेरी चीज़ें पड़ी, यहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान है, यहाँ पे टॉयज का सामान है, तो आई थिंक ये भी सारा हो जाएगा शिफ्ट आराम से, बट इनमें से कोई भी घूमे ना, बिकॉज सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करी हैं। 8:01 PM वैसे भीड़ बहुत है यहाँ पे, इनको पता लगता था कि जो दुकान है सामने है, बट वो सामने से दुकान यहाँ पर आ गई, स्कैम हो गया। तो रोल तो अपना बन रहा है, और अभी मैंने ऑर्डर करा अपने लिए बर्गर, इनको पसंद नहीं है लेकिन बर्गर बिल्कुल, पता नहीं क्यों इनको सिर्फ पसंद है ऐसी ऐसी चीज़ें तो इनको मज़ा दिलवाएं। यहाँ से भी मन नहीं भर रहा है, चिकन पनीर पैक करवा लिया घर पे, एक्स्ट्रा खाने का ढाबे से खाना पैक करवाया था। सो दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड, 1 month बैक रोल खाते हुए। ये पनीर है भाई मेरा, आपका चिकन है नहीं, मुर्गा गिर गया, रोल गिर गया, नियत खराब है। गिर गया। अच्छा एक बार बक तो कर दो,
यार भी आई वॉज एडिटिंग माई वीडियो एंड आई सॉ की जो लास्ट वीडियो की अपनी एंडिंग है ना जो मैंने डाली थी कल उसमें मैंने पहनी थी मेरी सेम टी शर्ट और ये टी शर्ट है ये है डबल एक्सएल साइज एंड ये टी शर्ट है ये मेरी थी दो साल पहले वेन आई वॉज 96 केजीज एंड ये मैं तभी पहनता था एंड लुक व्हाट आई एम लुकिंग लाइक मैं लग रहा हूँ इतना ज़्यादा फैट उसके अंदर पता नहीं क्यों कि ये वाली जो टी शर्ट है ना भाई मैं आई थिंक ये पहननी बंद कर दूंगा कि भाई दिक्कत हो जाती है इससे और जो वेट है ना वो लगता पता नहीं बंदे का कितना ही है क्योंकि जो टी शर्ट है ये डबल एक्सएल साइज है एंड जो मेरा फिलर साइज है वो है मीडियम सो आई जस्ट थॉट की सोच देते हैं क्लियर तो मैं चलो खत्म करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पर ही मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय एंड गाइस आल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको कोई चाहिए स्पेसिफिक वीडियो टॉपिक पर वीडियो तो मैं बना दूंगा उस पर लेकर कुछ चाहिए बाइक की राइड या आपको कोई चाहिए ट्रैवल ब्लॉग तो उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बनाने की तो खत्म करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।